दोस्तों जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। इसे दोस्तों हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कोशिका या फिर लाल रक्त कणिका। दोस्तों जो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है भैया इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो लाल रंग की है वो कौन सी है? आरबीसी है। बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दोस्तों अगर मैं संख्या में बात करूं तो दोस्तों संख्या में सबसे ज्यादा होती है वो आरबीसी होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है, फिर डब्ल्यूबीसी होती है। जो आरबीसी होती है दोस्तों मिलियंस में होती है। कितनी होती है अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती है वो लाखों में होती है। जब प्लेटलेट्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि भैया कितनी होती है। डब्ल्यूबीसी हजारों में होती है। कितनी होती है जब हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तब बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर मैं आकार की बात करूं तो आकार में दोस्तों सबसे ज्यादा होती है डब्ल्यूबीसी। दोस्तों इसकी संख्या बहुत कम है लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा है। ध्यान रखना आपको कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो संख्या में सबसे कम होती है लेकिन वो आकार में सबसे बड़ी होती है। उसके बाद में प्लेटलेट्स होती है और उसके बाद में दोस्तों आरबीसी होती है, यानी कि आरबीसी का जो आकार होता है दोस्तों वो सबसे छोटा होता है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ब्लड की जो सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी है? दोस्तों वो भैया आरबीसी है। दोस्तों इस आरबीसी को ब्लड की मुख्य कोशिका भी कहा। गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज फटाफट जुड़ जाइए और जितने भी अपने साथी हैं पढ़ने वाले उन सभी के साथ अपना सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। गाइज सेशन में बहुत मजा आने वाला है, अच्छा कंटेंट सही समय के साथ आपको हम उपलब्ध करवाते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों पहले हम कल का आयोजन कर लेते हैं फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रुधिर। साथियों कल हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि भैया हमारा जो ब्लड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ब्लड के दो भाग होते हैं दोस्तों। पहला भाग था वो था प्योर ब्लड और दोस्तों दूसरा जो पार्ट था वो था भैया इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को कहा गया था दोस्तों शुद्ध रक्त और इम्प्योर ब्लड को कहा गया था दोस्तों अशुद्ध रक्त। अब भैया बात यह आती है कि शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है। तो साथियों मैंने आपको कल बताया था कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, ऐसा ब्लड दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो वह ब्लड दोस्तों शुद्ध ब्लड होता है, यानी कि प्योर ब्लड होता है। और ऐसा ब्लड जिसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो वह ब्लड दोस्तों अशुद्ध ब्लड होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है। दोस्तों जो प्योर ब्लड होता है इसका जो रंग होता है वो होता है भैया लाल और दोस्तों जो इम्प्योर ब्लड होता है इसका रंग होता है भैया नीला। इसके बारे में दोस्तों हमने डिटेल में चर्चा की थी। इसके बाद में दोस्तों हमने दो शब्दों के बारे में जाना, वो शब्द क्या क्या थे? तो देखिए भैया एक तो था ब्लड फिल्ट्रेशन और एक था दोस्तों ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब होता है दोस्तों रक्त को छानना और दोस्तों ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है रक्त का शुद्धिकरण। अब दोस्तों बात यह आती है कि भैया रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है और रक्त को छानने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो लंग्स होता है ये लंग्स क्या करता है दोस्तों
ये लंग्स भैया ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य करता है, अर्थात रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। ये क्या करता है दोस्तों, कोई भी ब्लड होता है उस ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको तो ये बाहर भगाता है, और दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को ये अंदर लेकर आता है। यहाँ पर भी तो दोस्तों मैंने यही बताया था कि प्योर ब्लड वो होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो। तो दोस्तों ये क्या करता है, फेफड़ा जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर भगाता है और ऑक्सीजन को अंदर लेकर आता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ब्लड को शुद्ध कौन कर रहा है, तो भैया हमारे फेफड़े कर रहे हैं। तो ये होता है भैया ब्लड प्यूरिफिकेशन। बात आपको समझ में आ गई, ये मैंने कल डिटेल में बताया था। उसके बाद में हमने चर्चा की थी ब्लड फिल्ट्रेशन की। तो भैया आपकी जो किडनी होती है, आपकी जो किडनी होती है ये किडनी क्या करती है दोस्तों, रक्त को छानने का कार्य करती है। कैसे छानती है, तो दोस्तों हमारा जो ब्लड होता है उसमें यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, क्रिएटिनिन होता है, ग्लूकोज होते हैं, विटामिन होता है, पानी होता है, इस प्रकार दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि अमीनो अम्ल होता है, कुछ मात्रा में आयन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। दोस्तों कुछ चीज़ें हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, कहने का मतलब उपयोगी होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। दोस्तों हानिकारक चीज़ों को जो किडनी होती है वो ब्लड से अलग करके यूरिन की सहायता से शरीर से बाहर निकाल देती है, और दोस्तों जो आवश्यक चीज़ें होती है उनको दोस्तों हम एब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी कि उनका अवशोषण कर लेते हैं। तो भैया ये कार्य होता है हमारी किडनी का। तो दोस्तों किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, यानी कि रक्त को छानने का कार्य करती है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कल की वीडियो जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों मैंने इनके बारे में करीबन 20 मिनट तक चर्चा की थी, बहुत अच्छे से दो दो तीन तीन बार समझाया था आपको डिटेल में, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ सिर्फ मैं रिविजन करवा रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों हमने बात की थी प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में बात की थी दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में बात की थी। प्लाज्मा दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो प्लाज्मा होता है ये भैया पूरे ब्लड का 55% भाग होता है, और ये ब्लड का कैसा भाग है, तो भैया ये ब्लड का तरल भाग है। इसका रंग कैसा होता है, तो दोस्तों इसका रंग होता है भैया हल्का पीला। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो भैया इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। दोस्तों इसमें प्लाज्मा में 90-92% तो दोस्तों जल पाया जाता है, कुछ मात्रा में पोषक तत्व ग्लूकोज और आयन्स 1% की मात्रा में पाए जाते हैं, 6-8% या फिर आप कह सकते हो कि 7-9% दोस्तों इसमें प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती है, तो भैया इसमें प्रोटीन पाई जाती है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, ये 6 प्रोटीन दोस्तों हमारी प्लाज्मा में पाई जाती है। इन सब के कार्य मैंने पढ़ाए थे आपको, तो ये दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाई थी। दो चीज़ें और पढ़ाई थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, उनके बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपका जो ब्लड है इस ब्लड में से आरबीसी को माइनस कर देते हो, अगर आप ब्लड में से आरबीसी को माइनस कर देते हो, आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल, आज की इस वीडियो में हम आरबीसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ब्लड में से आरबीसी को माइनस करने पर दोस्तों क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है। क्यों बचता है, क्योंकि दोस्तों प्लाज्मा में WBC भी उपस्थित होती है भैया, प्लेटलेट्स भी उपस्थित होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप ब्लड में से आरबीसी को हटाते हो तो भैया प्लाज्मा बचता है। बात समझ में आ गई। अगर दोस्तों प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजन जो प्लेट जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, तो रहना आपको हाँ, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है अगर वो आप हटाते हो तो फिर क्या बचता है दोस्तों, फिर बचता है भैया सीरम।
या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि प्लाज्मा में से कोई भी क्लोटिंग फैक्टर हटाते हो आप, तो फिर दोस्तों क्या बचता है, सीरम बचता है। सीरम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, सीरोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें हमने कल की वीडियो में पढ़ी थी, आपको समझ में कम आई होगी, इसलिए कम आई है क्योंकि दोस्तों आपने कल की वीडियो नहीं पढ़ी है। अगर आपने कल की वीडियो पढ़ी होती तो ये सारी बातें आप अंगुलियों पर बता देते, क्योंकि हमारी क्लास की एक खासियत है दोस्तों, जो आपने पढ़ा है वो आपको क्लास में ही याद हो जाता है। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छा कंटेंट देता हूँ, अगर यकीन नहीं है तो एक क्लास लेकर देख लीजिए, आपको एक क्लास में पता लग जाएगा कि कितना अच्छा कंटेंट देता हूँ और कितना अच्छा नहीं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देख लेना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इनके बारे में डिटेल में जानना है तो भैया कल की वीडियो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों हम आज की क्लास की ओर। दोस्तों अगर आपको आपकी एग्जाम पास करनी है, अगर आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, तो भैया जहाँ भी पढ़ो अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ो। मैं यूँ नहीं कहता कि आप मेरे साथ ही पढ़ो, लेकिन दोस्तों पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को भैया लाइक भी कर दिया करो यार, और एक प्यारा सा कमेंट तो करते ही नहीं हो आप, कर दिया करो, कोई बात नहीं यार, आपका एक छोटा भाई हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ना आपके लिए, किसी और के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। तो भैया आपका फर्ज बनता है, मैं आपसे पैसे थोड़ी ना ले रहा हूँ, कि हमारी वीडियो को आप लाइक करो और लाइक के साथ साथ में दोस्तों कमेंट भी करो। और भैया जो मुख्य कार्य है चैनल को सब्सक्राइब करने का, वो तो आपको ज़रूर करना ही पड़ेगा अगर हमारी वीडियो देखनी है तो, क्योंकि दोस्तों ये जो कंटेंट है भैया, ये कंटेंट आपको आसानी से नहीं मिलेगा। तीन तीन चार चार बार रिवीजन करवा रहा हूँ यार, और क्या चाहिए आपको भाई, कोई टीचर आपके लिए, टीचर नहीं हो एक्चुअली मैं आपका भाई हूँ छोटा, तीन तीन चार चार बार रिवीजन करवा रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि भैया आपको यही याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए ज़रूर जुड़े हमारे चैनल के साथ, हमारी टीम के साथ, एक बहुत अच्छी टीम भी आने वाली है थोड़े समय बाद में। तो फिर चलिए आपका समय खराब ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों आज हम RBC के बारे में पढ़ने वाले हैं। RBC दोस्तों, RBC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों रेड ब्लड सेल्स। ऐसे इसलिए लगाया है क्योंकि दोस्तों इनकी संख्या बहुत सारी है, लाल रक्त कोशिका, या फिर दोस्तों मैं कणिका भी लिख सकता हूं, बात क्लियर है। दोस्तों इसका एक वैज्ञानिक नाम होता है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों आरबीसी का, तो भैया इरिथ्रोसाइट है। क्या है? इरिथ्रोसाइट। दोस्तों जो इरिथ्रो है, इस इरिथ्रो का मतलब होता है दोस्तों लाल, और साइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइट का मतलब होता है कोशिका। तो क्या दोस्तों मैं ये लिख सकता हूं कि वह कोशिका जो लाल रंग की है, वह कोशिका जो लाल रंग की है वह कौन सी है? वह RBC है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले आप ये बताओ। मैंने कहा दोस्तों कि भैया जो RBC होती है, इस RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल।
इसे हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कोशिका, या फिर दोस्तों हम लाल रक्त कणिका भी कह सकते हैं। दोस्तों आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है दोस्तों रिथ्रोसाइट। रिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब होता है कोशिका। तो दोस्तों हम फाइनली कह सकते हैं कि वह कोशिका जो लाल रंग की है वह कौन सी है, दोस्तों वह हमारी आरबीसी है। यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं है? अगर यहां तक बात समझ में आ गई है दोस्तों तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनका ध्यान रखना। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आपको पता है जो रक्त कोशिकाएं होती है, जो रक्त कोशिकाएं होती है वो दोस्तों तीन होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है दोस्तों प्लेटलेट्स। क्या आपको पता है इन सब में किसकी संख्या अधिक होती है हमारे ब्लड में? पता है क्या? नहीं पता तो अब सुन लीजिए दोस्तों, जो आरबीसी होती है इस आरबीसी की संख्या सबसे अधिक होती है, फिर आपका जो प्लेटलेट्स है इसकी संख्या होती है, और दोस्तों सबसे कम जो संख्या होती है वो होती है भैया डब्ल्यूबीसी की। मैंने आपसे कहा कि भैया रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। अगर हम संख्याओं में बात करें तो सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो आरबीसी की होती है, उससे कम प्लेटलेट्स की होती है, सबसे कम होती है भैया डब्ल्यूबीसी की। जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो भैया मिलियंस में होती है, वो भैया मिलियंस में होती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख होता है। तो भैया आरबीसी की जो संख्या होती है वो मिलियंस में होती है, और जो प्लेटलेट्स होता है इस प्लेटलेट्स की संख्या दोस्तों लाखों में होती है, और दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है इसकी संख्या भैया हजारों में होती है, हजारों में होती है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? मैंने कहा दोस्तों कि आपकी जो रक्त कोशिकाएं होती है उन रक्त कोशिकाओं में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है दोस्तों वो आरबीसी की होती है, आरबीसी मिलियंस में होती है, उससे कम प्लेटलेट्स की होती है, प्लेटलेट्स जो होता है दोस्तों वो भैया लाखों में होता है, और दोस्तों सबसे कम होती है भैया डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी दोस्तों हजारों में होती है। अब दोस्तों बात करते हैं आकार की। किसकी? आकार की, कि भैया कौन सी रक्त कणिका का आकार सबसे बड़ा है। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी छोटी है यानी कि हजारों में है इसकी संख्या, तो भैया इसका जो आकार होगा दोस्तों वो सबसे बड़ा होगा, डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा होगा। फिर दोस्तों प्लेटलेट्स का होगा, फिर प्लेटलेट्स का होगा, और लास्ट में दोस्तों आरबीसी का होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले ये बताओ, मैंने कहा कि आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है, फिर आरबीसी होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? दोस्तों अब बात करें तो भैया आकार में आरबीसी सबसे छोटी होती है, तो दोस्तों मैं ये लिख सकता हूं क्या कि भैया ब्लड की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है? जी हाँ दोस्तों, मैं जरूर लिख सकता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि भैया आकार में जो आरबीसी होती है वो सबसे छोटी होती है, इसलिए दोस्तों ब्लड की जो सबसे छोटी जो कोशिका मानी जाती है वो भैया आरबीसी को माना जाता है। बात आपको समझ में आ गई? इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और है, वो भी आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट दोस्तों ये है कि भैया जो ब्लड होता है, इस ब्लड की जो मुख्य कोशिका होती है, ब्लड की जो मुख्य कोशिका होती है वो कौन सी है, तो भैया वो भी आपकी आरबीसी है।
सबसे पहले आप ये बताओ आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई। सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई है तो ये बताओ, अगर आ गई है तो ये बताओ। बट आपको कंडीशन ये है कि आपको मेरी क्लास इसी ही क्लास में याद होनी चाहिए। जितना पढ़ाया गया है पूरा यहाँ का यहीं याद होना जरूरी है दोस्तों, तब तो मैं सोचूंगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है, नहीं तो कोई मतलब वाली बात नहीं। एक बार और समझिए दोस्तों, जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। इसे दोस्तों हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कोशिका या फिर लाल रक्त कणिका। दोस्तों जो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है भैया इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी कि वह कोशिका जो लाल रंग की है वो कौन सी है, आरबीसी है। बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दोस्तों अगर मैं संख्या में बात करूं तो दोस्तों संख्या में सबसे ज्यादा होती है वो आरबीसी होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है, फिर डब्ल्यूबीसी होती है। जो आरबीसी होती है दोस्तों मिलियंस में होती है, कितनी होती है अभी बताने वाला हूं। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती है वो लाखों में होती है, जब प्लेटलेट्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि भैया कितनी होती है। डब्ल्यूबीसी हजारों में होती है, कितनी होती है जब हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तब बताने वाला हूं। दोस्तों अगर मैं आकार की बात करूं तो आकार में दोस्तों सबसे ज्यादा होती है डब्ल्यूबीसी। दोस्तों इसकी संख्या बहुत कम है लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा है। ध्यान रखना आपको कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो संख्या में सबसे कम होती है लेकिन वो आकार में सबसे बड़ी होती है। उसके बाद में प्लेटलेट्स होती है और उसके बाद में दोस्तों आरबीसी होती है, यानी कि आरबीसी का जो आकार होता है दोस्तों वो सबसे छोटा होता है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ब्लड की जो सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी है दोस्तों, तो भैया आरबीसी है। दोस्तों इस आरबीसी को ब्लड की मुख्य कोशिका भी कहा गया है। बात आपको समझ में आ गई। अगर दोस्तों ये बात समझ में आ गई हो तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब देखिए भैया आपको और क्या पढ़ना है। अब दोस्तों आपको पढ़ना है आरबीसी की संख्या कितनी होती है। क्या पढ़ना है दोस्तों कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, बताओ भैया, इंतजार करूंगा मैं आपका। और यार सब्सक्राइब कर दो यार, फैमिली को बढ़ाओ, फिर लाइव पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाने में मजा आएगा यार। तो आप सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, कैसे काम चलेगा बताओ, बताओ बताओ बताओ। देखिए साथियों आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या दोस्तों मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है। दोस्तों जो मेल होता है उस मेल में आरबीसी की संख्या होती है भैया 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति 100 ml Hb, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन दोस्तों आपकी आरबीसी होती है। अगर यही आंकड़ा हम महिलाओं में देखें दोस्तों तो 4 से लेकर के 4.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में दोस्तों 4 से लेकर के 4.5 मिलियन दोस्तों आरबीसी होती है। सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई, बताओ आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई। एक बार और रिवीजन करवाता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने आपसे यह कहा कि भैया जो आरबीसी की संख्या होती है वो पुरुषों में तो होती है 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है ऊपर लिखा हुआ है, प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन क्या होती है दोस्तों, आपकी आरबीसी होती है। जबकि महिलाओं में देखा जाए तो 4 से 4.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन होती है। बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने सुन रखा होगा या फिर दोस्तों पढ़ रखा होगा
स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आप में से कितने लोगों ने दोस्तों ये सेंटेंस सुन रखा है कि भैया जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भैया जो स्तनधारी होते हैं वो क्या होते हैं, बताओ भाई। मेरा सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि स्तनधारी होते क्या है। तो दोस्तों जो जीव अपने बच्चे को दूध पिलाए वो जीव दोस्तों किस में आते हैं, वो जीव भैया स्तनधारियों में आते हैं। तो दोस्तों जो स्तनधारी होते हैं उन स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। दोस्तों आरबीसी क्या है, एक कोशिका है और कोशिका में दोस्तों आपको पता है केंद्रक होता है, लेकिन स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन यहां पर दोस्तों अपवाद है। अपवाद क्या क्या है, एक तो है ऊंट, एक है लामा और एक है दोस्तों जिराफ। ये तीन ऐसे स्तनधारी हैं दोस्तों इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया गया। क्या बात आपको समझ में आई या नहीं है। मैंने कहा कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद है ऊंट लामा जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों केंद्रक ही नहीं भैया, जो स्तनधारी होते हैं उनकी जो आरबीसी होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। क्या आपको यह बात समझ में आई या नहीं है। आ गई हो तो यह बताओ, नहीं आई हो तो यह बताओ। मैंने आपसे सबसे पहले यह कहा कि आरबीसी की संख्या होती है पुरुषों में तो 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन होती है। महिलाओं की बात करें दोस्तों, फीमेल की बात करें तो 4 से लेकर के 4.5 मिलियन 100 ml हीमोग्लोबिन में आरबीसी होती है। अगली बात मैंने ये कही कि जो स्तनधारी होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया गया, नहीं पाया जाता, लेकिन दोस्तों अपवाद है ऊंट लामा जिराफ, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों जो स्तनधारी होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक ही नहीं भैया, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती। ये बात आपको समझ में आई या नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भैया आरबीसी का निर्माण कैसे हुआ, आरबीसी का निर्माण। दोस्तों मैंने आपको कुछ कथन लिखवाया था ब्लड में शुरू की क्लासों में कि भैया जो ब्लड होता है उस ब्लड का निर्माण कहां पर होता है। तो भैया ब्लड का निर्माण होता है हमारी बड़ी बड़ी अस्थियों में, और अस्थियों में भी कहां, अस्थियों में भी दोस्तों बोन मैरो में, अर्थात दोस्तों अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। दोस्तों ये बोन, दोस्तों ये जो बोन मैरो होता है ये भैया बोन मैरो बड़ी बड़ी अस्थियों में ही होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपकी अस्थि है, ये क्या है आपकी अस्थि है, ये आपकी हड्डी है। इस हड्डी के बीच में दोस्तों एक खोखला भाग होता है और इस खोखले भाग में ही दोस्तों आपका बोन मैरो होता है। इस खोखले भाग में ही दोस्तों आपका बोन मैरो होता है। यह बात आपको समझ में आई। दोस्तों बोन मैरो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है दोस्तों लाल अस्थि मज्जा, दिख रहा है आपको, हाँ लाल अस्थि मज्जा, और एक तरफ होता है दोस्तों पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा। दोस्तों लाल अस्थि मज्जा से तो निर्माण होता है भैया आरबीसी का, और दोस्तों जो पीली अस्थि मज्जा है इससे निर्माण होता है भैया डब्ल्यूबीसी,
प्लेटलेट्स और भैया प्लाज्मा। लाल अस्थि मज्जा को रेड बोन मेरो कहा जाता है और पीली अस्थि मज्जा को दोस्तों येलो बोन मेरो कहा जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले आप ये बताओ। मैंने आपसे कहा कि भैया ब्लड का निर्माण किस में होता है, हमारी अस्थियों में होता है, हमारी हड्डियों में होता है। कैसी हड्डियों में होता है, बड़ी बड़ी हड्डियों में होता है। हमारे शरीर में दोस्तों लगभग 206 अस्थि पाई जाती है, 206 हड्डी पाई जाती है, जिसमें से दोस्तों 150 से लेकर के 160 ऐसी अस्थि होती है जिनमें दोस्तों बोन मेरो का निर्माण होता है और बोन मेरो में ही दोस्तों हमारे ब्लड का निर्माण होता है। दोस्तों जो अस्थि मज्जा होता है ये कहाँ पर होता है, तो हमारी जो अस्थि होती है, हमारी जो हड्डी होती है, उसमें खोखला पार्ट होता है, इसमें दोस्तों ये बोन मेरो भरा हुआ होता है, ये अस्थि मज्जा भरा हुआ होता है। अस्थि मज्जा भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रेड बोन मेरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा, एक होता है येलो बोन मेरो यानी कि पीली अस्थि मज्जा। क्या बात आपको समझ में आई या नहीं आई। दोस्तों जो लाल अस्थि मज्जा होता है वो आरबीसी का निर्माण करता है और दोस्तों जो येलो बोन मेरो होता है यानी कि पीली अस्थि मज्जा होता है वो भैया डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का निर्माण करता है। ये दोस्तों मैं आपको पिछली क्लासों में बहुत डिटेल में बता चुका हूं और भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, तो आशा करता हूँ स्क्रीन पे दिखी हुई बातें आपको सभी बहुत अच्छे से याद हो गई होगी क्योंकि लगभग मैं आपको 3 बार बता चुका। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं दोस्तों हम आगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये बताओ मुझे कि आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही। आ रही है तो ये बताओ और नहीं आ रही है तो ये बताओ। आशा करता हूं दोस्तों मैं आपको हर बातें दो दो तीन तीन बार बता रहा हूं तो अच्छे से याद हो रही होगी, समझ में नहीं दोस्तों याद भी हो रही होगी साथ ही साथ में। कोई दोस्तों चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। मैं आपको बता दूं ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, पटवार, रेलवे, एनडीए, नीट, सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है, कोई स्टेट पीसीएस, कोई सी भी एग्जाम हो दोस्तों सभी के लिए उपयोगी है। एक बार हमारा कंटेंट देखना भैया, अभी तो होता क्या है ब्लड में आगे क्या क्या होता है ये देखना, ऐसा कंटेंट दूंगा दोस्तों आपको कि आपने कभी पढ़ा ना होगा। मैं ये गारंटी के साथ वादा करता हूं कि आपने किसी भी टीचर के साथ पढ़ा हो, अगर उससे कुछ नया सीखने को नहीं मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जाना, और क्या चाहिए यार आपको। चलिए फिर आगे चलते हैं अब तो भैया, अब बात आती है आरबीसी के जीवन काल की। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताओ। तो भैया आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो आपने पढ़ रखा होगा कि भैया आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितना होता है, 120 दिन का होता है। क्या दोस्तों 120 दिन के बाद में आरबीसी की मृत्यु हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, आरबीसी की मृत्यु 120 दिन के बाद में हो जाती है। मृत्यु कहां पर होती है, तो दोस्तों पलिया आपने नाम सुना होगा, जिसे आप स्प्लेम या फिर तिल्ली कहते हो, मैंने क्या कहा दोस्तों, मैंने ये कहा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 दिन के बाद में आपकी आरबीसी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु कहां पर होती है दोस्तों, पलिया, तिल्ली या स्प्लेम एक ही नाम है, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि आपका जो यकृत होता है इसमें हो जाती है। अधिक मृत्यु कहां होती है दोस्तों, तो भैया पलिया में होती है अधिक, और दोस्तों कम मृत्यु कहां होती है, तो भैया कम होती है आपके यकृत में। क्या बात आपको समझ में आई। मैंने ये कहा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 120 दिन के बाद में, और मृत्यु कहां होती है, पलिया में होती है, यकृत में होती है, लेकिन यकृत में कम होती है और पलिया में अधिक होती है।
आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है इस प्लेम को, पलिया को। क्या आपको यह बात समझ में आई या नहीं है ये बताओ। कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया इसकी मृत्यु होती है पलिया में, अधिक होती है, थोड़ी बहुत यकृत में भी होती है। अब दोस्तों मृत्यु हो गई, लेकिन भैया मृत्यु होने के बाद भी इसका पुनः निर्माण होता है। किसका? आरबीसी का पुनः निर्माण। कहने का मतलब जितनी मरी है उतनी जीवित नहीं होती वापस, उतनी नहीं बनती, लेकिन दोस्तों कुछ मात्रा में भैया ये जो आरबीसी होती है ये पलिया में वापस दोस्तों इनका निर्माण होता है, और पलिया में ही दोस्तों ये इकट्ठी हो जाती है। पलिया में ही दोस्तों ये वापस इकट्ठी हो जाती है। मैंने ये कहा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। खापर होती है पलिया और यकृत में, पलिया में अधिक होती है, यकृत में कम होती है। इसलिए दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया को कहा जाता है, क्योंकि भैया यहां पर आरबीसी की अधिक मृत्यु होती है। मृत्यु होने के पश्चात दोस्तों आरबीसी का पुनर्निर्माण होता है। कहने का मतलब जितनी कोशिका, जितनी आरबीसी मरी है उतनी जीवित नहीं होती, लेकिन दोस्तों कुछ मात्रा में इनका पुनर्निर्माण होता है यहां पर, और दोस्तों निर्माण होकर ये पलिया में ही इकट्ठी हो जाती है। जब दोस्तों आपके शरीर में ब्लड की कमी होगी, जब दोस्तों आपके शरीर में ब्लड की क्या होगी दोस्तों, ब्लड की कमी होगी, तो दोस्तों उस समय होता क्या है भाई, ब्लड की कमी होगी तो कहने का मतलब दोस्तों आपके शरीर में आरबीसी की भी कमी होगी, क्योंकि दोस्तों ब्लड में जो सर्वाधिक मात्रा में जो कोशिका पाई जाती है भैया वो आरबीसी ही पाई जाती है। मैंने कहा आरबीसी मिलियंस में होती है, तो दोस्तों ब्लड की कमी होगी तो सीधी सी बात है आरबीसी की भी कमी होगी। आरबीसी की कमी होगी दोस्तों तो भैया ये जो पलिया है, इस पलिया से दोस्तों हम क्या करते हैं, जो वापिस जो पुनर्निर्माण जो आरबीसी का हुआ है उन्हें दोस्तों हम लेते हैं, उन्हें हम वापिस लेते हैं। इसलिए दोस्तों इस पलिया को हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया शरीर का जो ब्लड बैंक है वो किसे कहा जाता है, तो भैया शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है हमारे पलिया को, स्प्लेम को, तल्ली को कहा जाता है, पलिया को कहा जाता है। क्या आपको यह कहानी समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले आप ये बताओ। आ गई हो तो ये बताओ, नहीं आई है तो ये बताओ। बैंक इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों जब हमें आवश्यकता होती है तब हम बैंक से जाकर के पैसे निकालते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो भैया आरबीसी की भी कमी होगी, तो आरबीसी हम क्या करते हैं, पलिया से ले लेते हैं, और फिर दोस्तों शरीर का जो कार्य होता है ब्लड के थ्रू वो सब कार्य होता है। इसलिए दोस्तों इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है पलिया। ये आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया को कहा जाता है, शरीर का ब्लड बैंक पलिया को कहा जाता है। बात क्लियर है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, कितना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। दो दो बार रिवीजन करवा चुका हूं, दो दो बार नहीं, मेरे दोस्त तीन तीन बार रिवीजन करवा चुका हूं। आशा करता हूं दोस्तों ये छोटी सी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि भैया जो हमारी आरबीसी होती है इस आरबीसी का आकार कैसा होता है, इस आरबीसी का भैया आकार कैसा होता है, आरबीसी का आकार। दोस्तों अगर आप इसे देखोगे तो भैया आरबीसी का जो आकार आपको दिखाई देगा अंडाकार, कैसा दिखाई देगा, अंडाकार दिखाई देगा। लेकिन आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर इसको देखोगे आरबीसी को, तो भैया आपको जो आकार दिखाई देगा वो दिखाई देगा द्वि अवतलाकार, या फिर दोस्तों डंबलाकार।
कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से भैया आरबीसी का आकार आपको दिखाई देगा। मैंने कहा दोस्तों कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, अगर सामान्य स्थिति में आप देखोगे तो अंडाकार होता है, लेकिन दोस्तों जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे, तो भैया इसका आकार द्विअवतलाकार या डंबलाकार होता है, कुछ इस प्रकार का। ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, अगर आ गए हो तो ये बताओ, नहीं आई हो तो एक बार और रिविजन करवा देता हूँ, बट याद होना चाहिए, याद नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। मैंने कहा कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो 120 दिन का होता है, 120 दिन के बाद में आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ पर होती है? पलिया में होती है, कुछ मात्रा में यकृत में भी होती है। इसलिए दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लेम यानी पलिया को कहा जाता है। मृत्यु होने के पश्चात दोस्तों कुछ मात्रा में आरबीसी का पुनर्निर्माण होता है, ये पुनर्निर्माण होकर ये पलिया में ही इकट्ठा हो जाती है। जब दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है तो दोस्तों ब्लड की जो मुख्य कोशिका होती है वो आरबीसी होती है, क्योंकि आरबीसी मिलियंस में होती है। तो भैया आरबीसी की भी कमी होगी अगर ब्लड की कमी होगी तो। जब दोस्तों आरबीसी की जरूरत पड़ेगी हमें तो हम भैया किससे लेंगे? पलिया से लेंगे। इस कारण दोस्तों शरीर का ब्लड बैंक से कहा जाता है पलिया को कहा जाता है, या फिर आरबीसी का ब्लड बैंक से कहा जाता है पलिया को कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं इसके आकार की बात करूं तो इसका आकार अंडाकार होता है दोस्तों। जब आप इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप से देखोगे भैया तो इसका आकार आपको द्विअवतलाकार या फिर डंबलाकार दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का। लेकिन बेसिक तरीके से अगर आप देखोगे तो भैया आपको अंडाकार दिखाई देगा। ये कहानी आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आशा करता हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ रहा नहीं आ रहा बताओ कमेंट करके, नहीं आ रहा हो तो ये बताओ, दो दो तीन तीन बार रिवीजन करवा रहा हूँ यार, आ रहा होगा। दोस्तों एक बात बताऊँ मैं आपको, ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना दोस्तों, इस पे जो स्टूडेंट होता है वो भटक जाता है, उसको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, इसलिए वो अपनी मंजिल से कहीं ना कहीं बहुत दूर चला जाता है। इसलिए आप जहाँ भी पढ़ो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, पहले जान लो कि उसका कंटेंट कैसा आता है, उसका कंटेंट क्या हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार हमें वापस दोबारा पढ़ना पड़े किसी और टीचर से। पहले कंटेंट देखो और उसका पढ़ाने का तरीका देखो कि अगर आपको वो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, अगर आ रहा है तो पढ़ लीजिए, अगर अच्छा कंटेंट है तो। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप जहाँ भी पढ़ो अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ो, क्योंकि दोस्तों टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है। जिसने समय की वैल्यू की वो समय के साथ बदल गया, और जिसने समय के साथ गद्दारी की वो समय के साथ पिछड़ गया। बात सही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भैया संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है। क्वेश्चन है आपकी प्रतियोगी परीक्षा होगी, संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है। तो भैया एक एम्फियूमा, एक उभयचर है, इस उभयचर की भैया संसार में सबसे बड़ी आरबीसी होती है। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, संसार में सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है। तो भैया कस्तूरी हिरण की होती है। किसकी होती है दोस्तों? कस्तूरी हिरण की होती है। बात आपको समझ में आई? अगर दोस्तों मैं स्तनधारियों की बात करूं तो दोस्तों स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो भैया हाथी की होती है। बात आपको समझ में आ गई? और दोस्तों सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? तो दोस्तों सबसे छोटी आरबीसी होती है भैया
किसके? कस्तूरी हिरण की। किसकी होती है दोस्तों? कस्तूरी हिरण की होती है। क्या आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले आप ये बताओ मुझे। अगर आ गई हो तो ये बताओ और नहीं आई हो तो ये बताओ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है भैया कि संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो एम्फियुमा एक उभयचर है दोस्तों, इसकी संसार में सबसे बड़ी आरबीसी होती है। ये आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। संसार में सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, तो कस्तूरी हिरण की होती है। स्तनधारियों की बात करूं दोस्तों तो सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की होती है। समझाने वाली बात कुछ नहीं है, रटने वाली बात है, रट लेना। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भैया आरबीसी के कार्य। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आरबीसी के कार्य, कि भैया हमारी आरबीसी होती है वो क्या कार्य करती है। जिस तरीके से जो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा करती है, ठीक उसी प्रकार जो प्लेटलेट्स होती है उसका कार्य होता है भैया रक्त का थक्का जमाना। तो भैया मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भैया जो आरबीसी होती है उस आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी का कार्य, तो दोस्तों आरबीसी का कार्य होता है ताजे ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक सेल तक पहुंचाना। मतलब समझे दोस्तों, जो आरबीसी होती है इस आरबीसी का कार्य होता है दोस्तों कि जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्यों पहुंचाती है? क्योंकि आपको पता है कोशिकाओं के पास क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है। जब ऑक्सीजन जाएगा कोशिकाओं के पास तो भैया इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP। ATP के यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। किस रूप में? ATP के रूप में। तो भैया शरीर में एनर्जी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और दोस्तों इस ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? तो भैया आपका आरबीसी पहुंचाता है। एक्चुअली में दोस्तों जो आरबीसी होता है इस आरबीसी का भी लाल रंग होता है। किसके कारण होता है? तो भैया हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो कार्य आरबीसी का होगा वही कार्य दोस्तों हीमोग्लोबिन का होगा, क्योंकि दोस्तों ये आरबीसी का ही भाग है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है दोस्तों? 100% तो ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है, और दोस्तों ये हीमोग्लोबिन लगभग 75% दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करवाता है। 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है दोस्तों? ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये भैया जल के साथ क्रिया कर लेती है और दोस्तों क्या बना लेती है? H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल। और दोस्तों ये जो कार्बनिक अम्ल होता है ये भैया कार्बन डाइऑक्साइड का 25% परिवहन करवाता है। क्या दोस्तों आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई हो तो ये बताओ। अब दोस्तों हीमोग्लोबिन के बारे में मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन दोस्तों मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। बताओ पढ़ाया है नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना पढ़ाया? नहीं पढ़ाया वीडियो देख लेना, यकीन ना हो तो। अब देखिए दोस्तों, एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो भैया अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर जाता है।
तो भैया ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है। तो भैया एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है। बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, बट याद होना चाहिए, मैं टाइम खराब कर रहा हूं आपके लिए, बहुत आसान आसान चीजें हैं। आरबीसी का जो कार्य होता है वो होता है ताजा ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। दोस्तों आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का ही एक पार्ट होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। जो कार्य आरबीसी करेगी वही कार्य हीमोग्लोबिन करेगा। हीमोग्लोबिन दोस्तों ऑक्सीजन का 100% परिवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 75% परिवहन करता है। अब बात यह आती है कि भैया 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके दोस्तों H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल बना लेगी। ये कार्बनिक अम्ल भैया 25% इस कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है, तो भैया 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले पढ़ा चुका, पिछली क्लास से देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कहानी क्या है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आप ये बताओ कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है और आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, बताओ बताओ फटाफट बताओ। दोस्तों आरबीसी की कमी से तो होता है एनीमिया और आरबीसी की अधिकता से होता है पॉलीसाइथोमिया। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी होगी दोस्तों वो होगा एनीमिया। एनीमिया एनीमिया दोस्तों खून की कमी को कहा जाता है, खून की कमी को कहा जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? अगर आरबीसी की अधिकता हो गई तो भैया आरबीसी की अधिकता से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों पॉली साइथेमिया। अब भैया इस पॉलीसाइथेमिया में होता क्या है, तो दोस्तों आपके जो हाथ है वो हाथ दोस्तों लाल पड़ जाएंगे। आपके हाथों में दोस्तों खुजली होगी, खुजली होगी, ब्लड तक आ सकता है, ब्लड तक आ सकता है। और दोस्तों जो आपकी त्वचा होगी उस त्वचा पर काले रंग के धब्बे पड़ जाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, एक बार फिर सुनिए कि आरबीसी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया दोस्तों किसे कहा जाता है, जब आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो दोस्तों उस रोग को ही एनीमिया कहा जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? अगर आरबीसी की आपके शरीर में अधिकता हो गई तो पॉलीसाइथेमिया दोस्तों एक रोग होता है, ये रोग हो जाता है। भैया इस रोग को एक ना अलग नाम से और जाना जाता है, पॉलीसाइपोनिया। इस रोग में होता क्या है, आपके हाथ लाल पड़ जाएंगे, आपके हाथों में खुजली होगी और ब्लड तक आ सकता है दोस्तों आपके हाथों में, और जो आपकी त्वचा है आपकी त्वचा पर काले रंग के धब्बे पड़ जाएंगे। क्या दोस्तों आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं, एक बार और रिवीजन करवाऊं, बट याद होना चाहिए। आरबीसी की कमी से एनीमिया यानी कि आपके शरीर में खून की कमी होगी, आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया। इस रोग में होता क्या है, आपके हाथ लाल पड़ जाएंगे, आपके हाथों में खुजली होगी और दोस्तों खून तक आ सकता है,
इसके अलावा दोस्तों आपके त्वचा पर काले रंग के धब्बे पड़ जाएंगे। दोस्तों आपने सुना होगा विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया विटामिन B6 की कमी से दोस्तों होता क्या है, आपकी जो RBC होती है, इस RBC की संख्या इस रोग में घट जाती है। RBC विटामिन B6 की कमी से होता है दोस्तों माइल्ड एनीमिया, हल्का सा ब्लड की कमी या फिर दोस्तों खून की कमी। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो होता है पाइरोडोक्सिन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपसे ये कहा कि विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो होता है पाइरोडोक्सिन। अगर विटामिन B6 की कमी अगर आपको हुई तो दोस्तों एक बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम है माइल्ड अनेमिया, यानी कि आपके शरीर में हल्की सी खून की कमी हो जाएगी। इस रोग में होता क्या है, RBC की संख्या घट जाती है। बात आपको समझ में आई? इसके अलावा दोस्तों एक जेनेटिक डिसीज है सिकिल सेल अनेमिया, सिकिल सेल अनेमिया, ये दोस्तों एक प्रकार की जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज का मतलब समझते हो, आनुवांशिक रोग है दोस्तों। ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ इन्हें दवाइयां देकर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो अगर किसी सेल के गुणसूत्र या जीन में कोई प्रॉब्लम होगी तब जाकर दोस्तों ये आपको बीमारी होगी, सिकिल सेल अनेमिया। दोस्तों इस रोग में होता क्या है, जो आपकी जो RBC होती है उस RBC का आकार बेसिकली कैसा होता है, अंडाकार होता है, अंडाकार होता है। लेकिन इस रोग में दोस्तों इस RBC का आकार हसिया के समान हो जाएगा। हसिया दोस्तों जो घास काटने वाला जो यंत्र होता है कुछ इस तरीके से होता है। दोस्तों सिकिल सेल अनेमिया, अनेमिया का मतलब होता है दोस्तों खून की कमी, और सिकिल सिकिल का मतलब होता है दोस्तों हसिया। तो इस रोग में होता है क्या, RBC का आकार अंडाकार से चेंज होकर के हसिया के समान हो जाता है। दोस्तों इस रोग के जो लक्षण है वो खून की कमी होगी, आपके शरीर में कमजोरी होगी, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो भैया ये जो रोग है सिकिल सेल अनेमिया ये एक जेनेटिक डिसीज है, ऑटोसोमल डिसीज है, यानी कि ऑटोसोम गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण ये बीमारी आपको होती है। लड़कियों में ये बीमारी समान रूप से होती है। इसमें क्या होता है, RBC का आकार अंडाकार से चेंज होकर के हसियाकार के समान हो जाता है, यानी हसिया के समान हो जाता है। तो आपको ये बताओ सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आपकी RBC कंप्लीट। कोई सी भी एग्जाम दे लीजिए, RBC से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार और रिवीजन करवाता हूँ फिर देखिए। दोस्तों RBC की कमी से अनेमिया रोग होता है, अर्थात खून की कमी। अनेमिया दोस्तों आपके शरीर में अगर खून की कमी हो गई तो उसको ही अनेमिया कहा जाता है। RBC की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। इस रोग में होता क्या है, आपके जो हाथ है दोस्तों वो लाल पड़ जाएंगे, हाथों में खुजली होगी, ब्लड तक आ सकता है, आपकी त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाएंगे इस रोग में पॉलीसाइथेमिया में। दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पाइरोडोक्सिन, अगर आपने विटामिन पढ़ रखे हैं। दोस्तों विटामिन B6 की कमी हो गई तो दोस्तों क्या होगा, आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, यानी कि जो RBC की संख्या है वो घट जाएगी। उस बीमारी को कहा जाता है माइल्ड एनीमिया। क्या याद हुई ये बात? इसके अलावा दोस्तों एक अनुवांशिक रोग है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अनुवांशिक रोग होते क्या है। दोस्तों ये ऐसे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते हैं। दोस्तों ये बीमारी आपको तब होती है जब आप मां के पेट में होते हो, तब आपकी कोशिका के गुणसूत्र जीन में कोई प्रॉब्लम होती है तब दोस्तों आपको ये बीमारी होती है। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता, इन्हें सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है।
बात क्लियर है दोस्तों। सिकल सेल एनेमिया एक जेनेटिक डिसीज है। इस रोग में होता क्या है दोस्तों, जो आपकी आरबीसी होती है, इस आरबीसी का आकार बेसिकली अंडाकार होता है, लेकिन अंडाकार से परिवर्तन होकर के ये हसिया के समान हो जाती है। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं है? इसमें आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, आपके शरीर में खून की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, आपके शरीर में कमजोरी रहेगी। बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोस्तों आपकी आरबीसी कंप्लीट हो चुकी है। कल दोस्तों हम डब्ल्यूबीसी पढ़ने वाले हैं, तो बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।